हेलो इन्वेस्टर्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है इन्वेस्ट मनी यूए चैनल पे, जहाँ हम फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए समझना आसान बनाते हैं, ताकि आपको अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो आप वो समझदारी से ले सकें। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड की एवरेज फाइनेंशियल लिटरेसी रेट 33% है और यूएई में ये 30% है और इंडिया में बस 27%। मतलब इंडिया में 5 में से 1 लोग ही जानते हैं जीवन के जरूरी पहलू को और 5 में से 4 लोगों को फाइनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी नहीं मालूम। और जो लोग फाइनेंशियली अनएजुकेटेड होते हैं वही लोग कर्ज में या फिर किसी फ्रॉड का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते और बड़ी संपत्ति जोड़ने में उन्हें परेशानी होती है। तो चलिए समझते हैं आज फाइनेंशियल नॉलेज के एक ऐसे फाउंडेशन कॉन्सेप्ट को, जिसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसे कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू क्या होती है और उसे एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स गो। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि टाइम इज मनी। इसका एक पहलू ये भी है कि जब कभी हम पैसे का लेन देन करते हैं तो खाली अमाउंट ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो पैसे कब मिल रहे हैं और या आपको कब देने हैं वो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको कोई ये कहे कि आप 10,000 रुपए अभी ले लीजिए या फिर 1 साल बाद 10,500 ले लीजिए या फिर 2 साल बाद आप 11,664 रुपए ले लीजिए या फिर 5 साल बाद आप 12,762 रुपए ले लीजिए, इन सभी ऑप्शन में से हम कैसे पता करें कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है? आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे, भाई हम तो पहला ऑप्शन लेंगे, 10,000 रुपए अभी दे दो। मैं भी यही ऑप्शन चूज करूंगा जिसमें 10,000 रुपए अभी मिल रहे हो। पर हमारे इस डिसीजन के पीछे क्या रीजन है ये भी समझते हैं। तो पहला रीजन है रिस्क का। 1 साल बाद 10,000 रुपए या फिर 11,664 रुपए 2 साल बाद मुझे मिलेंगे भी या नहीं, इसका एक रिस्क है। हो सकता है कि बैंक या कंपनी या वो पर्सन डिफॉल्टर निकले, तो इसलिए मैं 10,000 रुपए अभी लेना पसंद करूंगा। दूसरा रीजन है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। अगर आज की डेट में इन्फ्लेशन 6% का है, मतलब आज जो मैं सामान 10,000 रुपए में खरीद रहा हूँ तो उसके लिए मुझे 1 साल बाद 10,600 रुपए देने पड़ेंगे, तो मैं 1 साल बाद 10,500 रुपए वाला ऑप्शन क्यों चुनूं? सही बात। और वही अगर मैं 10,000 रुपए आज लेता हूं तो अपने तरीके से इन्वेस्ट करके चाहूं तो 6% से ज्यादा, यानी 7% या 15% तक रिटर्न भी कमा सकता हूँ। तो थर्ड रीजन हुआ इन्वेस्ट एंड ग्रो। मान लीजिए मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जैसे कि FD जिसमें रिटर्न की गारंटी होती है उसमें 7% के रेट से इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे 1 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे 10,000 में 10,000 का 7% को एड करना होगा, तो मुझे 10,700 रुपए मिलेंगे 1 साल बाद। और इसी तरह अगर मैं उस पैसे को ना निकालूं और 2 साल बाद के लिए देखूं तो मुझे 10,700 को 1.07 से मल्टीप्लाई करना होगा तो मुझे 11,449 रुपए मिलेंगे। और इसी तरह 3 साल में ये 1,149 रुपए 1.07 से मल्टीप्लाई करके 12,250 रुपए हो जाएंगे और 4 साल में 12,250 रुपए को 1.07 से मल्टीप्लाई करके ये 13,107 रुपए हो जाएंगे और 5 साल के अंत में मुझे 13,107 रुपए को 1.07 से मल्टीप्लाई करके 14,025 रुपए मिलेंगे। तो अब आप इस रिस्क फ्री रिटर्न्स को शुरुआती ऑप्शन से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इन सब में फर्स्ट ऑप्शन तो एक्सीलेंट है ही, जिसमें आप 10,000 रुपए अभी ले रहे हैं और अपने पैसों को अपने तरीके से ग्रो कर रहे हैं, पर उसके अलावा 5 साल में 12,762 रुपए से अच्छा 2 साल में 11,064 रुपए लेना अच्छा डिसीजन है, क्योंकि 2 साल में आपको रिस्क फ्री रिटर्न से 200 रुपए ज्यादा रिटर्न मिल रहा है और वही 5 साल में आपको 1,200 रुपए कम मिल रहे हैं। इसका मतलब अगर आप अपने आज के पैसों को कहीं इन्वेस्ट नहीं करते और उसको बस बैंक में ही रखते हो तो आप उस पे गारंटेड रिटर्न खो रहे हो। उससे आपके 10,000 रुपए 1 साल बाद अभी के 9,300 रुपए के बराबर रह जाएंगे और 5 साल बाद ये आज के 6,956 रुपए के बराबर रह जाएंगे। मतलब आपने जो इस पे गारंटेड रिटर्न खो दिया है, जिसे हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, उससे आपके पैसे की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। समय समय पर जो पैसे की वैल्यू होती है उसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी या फिर TVM भी कहा जाता है। पैसे जो आपको आज मिल रहे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है उन सेम पैसों से जो पैसे 1 महीने बाद या 1 साल बाद मिलेंगे, क्योंकि आज मिलने वाले पैसे रिस्क फ्री रिटर्न कमाने की काबिलियत रखते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको कम से कम रिस्क फ्री रिटर्न के रेट से पैसा मिल रहा है कि नहीं। और जैसे कि हम सब के ज्यादातर डिसीजन जिसमें पैसों का लेन देन होता है जो कभी 1 महीने बाद या 1 साल बाद होता है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। ये जो 5 साल बाद मिलने वाले पैसे हैं उसे हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं
और आज के पैसों को प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, FV यानी फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स PV प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइडेड बाय ब्रैकेट 1 प्लस R मतलब कि रेट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। और इसी को अगर प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्म में लिखें तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। तो कंफ्यूज मत होइए, इस सारे फॉर्मूले एक्सेल में या गूगल शीट में इनबिल्ट होते हैं, आप उनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सेल पे देखते हैं हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते। तो सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू के एग्जांपल्स देखते हैं। अब कई जगह आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कभी आपको ये पता करना हो कि आपकी आज की इन्वेस्टमेंट 10 साल बाद या 8 साल बाद कितने की होगी, तो उस टाइम पे आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर आपको अगर ये पता करना है कि आपके आज के सालाना खर्चे इन्फ्लेशन के 6% के रेट के हिसाब से 10 साल बाद या 15 साल बाद कितने होंगे, तो उस टाइम पे आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको ये चीजें चाहिए। पहली, प्रेजेंट वैल्यू आज की वैल्यू, रेट रेट ऑफ रिटर्न जिससे आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है, टाइम पीरियड मतलब आप कितने टाइम के बाद की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, और चौथा कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो एनुअली मिल रहा है या क्वार्टरली मिल रहा है या मंथली मिल रहा है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए 5 साल के लिए बैंक में डिपॉजिट किए जो आपको सालाना 8% रिटर्न देता है। एक सिनेरियो में उसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एनुअली है और दूसरे सिनेरियो में उसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है। तो देखते हैं दोनों सिनेरियोज में मैच्योरिटी वैल्यू क्या बनती है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू FV और फिर है रेट, तो रेट सिलेक्ट करना है, फिर आता है NPR मतलब टाइम पीरियड, क्योंकि कंपाउंडिंग एनुअली है इसलिए हम एज इट इज सिलेक्ट कर देंगे। फिर आता है पेमेंट, क्योंकि हमने और कोई रेगुलर पेमेंट नहीं करी है जैसे हर महीने या हर साल, तो इसलिए इसको ब्लैंक रखेंगे 0। और फिर आता है PV प्रेजेंट वैल्यू, और ये ब्रैकेट में दिया है तो इसे माइनस करके लिखेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आएगा कुछ 7,34,664 रुपए। तो मतलब आपको 2,34,664 रुपए का प्रॉफिट है इस पे। अब यही देखते हैं अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता तो फ्यूचर वैल्यू क्या होती। जब कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपको टाइम पीरियड को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको एनुअल रेट को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब अगर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो FV रेट, ये जो रेट वैल्यू आई है, फिर टाइम पीरियड, पेमेंट क्योंकि हम कोई रेगुलर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो 0, फिर प्रेजेंट वैल्यू, तो ये आता है कुछ 7,42,973 रुपए। तो मतलब एनुअली के कंपेरिजन में क्वार्टरली कंपाउंडिंग में आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। अब देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू के एग्जाम्पल्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन का मतलब है भविष्य में मिलने वाली पेमेंट आज के हिसाब से कितने की होगी वो कैलकुलेट करना, तो उसके लिए हमें हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर करना चाहिए। तो मान लीजिए FD में आज के टाइम पे आपको 7% का रिटर्न मिलता है, तो रिस्क फ्री रिटर्न या फिर हम इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिस्काउंट रेट हमेशा 7% आप यूज करेंगे। मान लीजिए आप अगर किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और आपको 15 साल बाद 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उसकी आज के हिसाब से कितनी वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला है इक्वल्स टू PV ब्रैकेट ओपन रेट, जो कि हमारा डिस्काउंट रेट है 7%, फिर टाइम पीरियड जो कि है 15 साल, फिर पेमेंट मतलब कि ये 15 लाख मिलने से पहले आपने बीच में कोई पेमेंट नहीं ली तो इसलिए ये 0 रहेगी, और फ्यूचर वैल्यू क्योंकि ये ब्रैकेट में है फॉर्मूले के हिसाब से तो हम इसे माइनस करके लिखेंगे और देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये आती है कुछ आज के 5,43,000 रुपए के बराबर। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ये पता किया था कि 5 साल बाद हमें 14,025 रुपए मिलने वाले 7% के रेट के हिसाब से, तो आज की उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इक्वल टू PV रेट 7% और टाइम पीरियड 5 साल, पेमेंट 0, फ्यूचर वैल्यू माइनस करके, तो वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए के बराबर आएगी। तो ये बात हुई फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने की जब आपने एक सिंगल लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया हो, या फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की जब आपको फ्यूचर में एक लमसम अमाउंट मिल रहा हो। ये कॉन्सेप्ट्स आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में भी काफी मदद करेगा। जैसे अगर आपको ये निकालना है कि आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे 10 साल बाद या 20 साल बाद, तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी अपने एसेट की एवेल्यूएशन निकालनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी है और उसका रेंट आता है और आगे 5 साल तक हर महीने वो कुछ 30,000 का रेंट दे रहा है, तो उसकी एवेल्यूएशन कितनी होगी, तो ये सारे चीजों में आप ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोज में हम समझेंगे कि अगर आपका इरेगुलर कैश फ्लोज हैं जैसे मंथली रेंट, या फिर आप कोई EMI भर रहे हैं, या फिर आपकी कोई SIP है, तो वो अमाउंट कितना ग्रो करेगा, तो ये सब कैलकुलेशन आप एक्सेल में कैसे कर सकते हैं वो हम समझेंगे।
सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।